हेलो एवरीवन, आज हम एनसीईआरटी इंग्लिश क्लास सेकंड के चैप्टर फनी बनी की एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले है वन डे, यहाँ ब्लैंक है, ब्रैकेट में दो दिए हुए हैं अ नट एंड स्लैश करके द स्काई फेल ऑन फनी बनी। तो वन डे एक दिन फनी बनी के ऊपर क्या गिरा था, तो अ नट यहाँ पर आ जाएगा, नट गिरा था उसके हेड पर, तो इसलिए अ नट यहाँ फिल करेंगे। सेकेंड है फनी बनी वांटेड टू टेल, फनी बनी बताना चाहता था, किसको बताना चाहता था, तो द किंग या द कॉक या द स्काई किसको बताना चाहता था, तो द किंग को बताना चाहता था, इसलिए इस पर राइट आएगा, इसको यहाँ हम फिल करेंगे व्हाट ही सा, है ना। फनी बनी राजा को बताना चाहता था जो उसने देखा था। अब नेक्स्ट है हु सेड दिस वर्ड इन द स्टोरी, ये वर्ड किसने कहा है इस स्टोरी में। सबसे पहले है आउच द स्काई इज फॉलिंग डाउन, तो ये फनी बनी सेड आ जाएगा, फनी बनी ने कहा था। फिर नेक्स्ट है आई मस्ट टेल द किंग, मुझे राजा को ज़रूर बताना चाहिए, ये फनी बनी सेड आएगा, फनी बनी ने कहा था। द किंग लिव्स हियर, ये किसने कहा था, तो वॉक्सी फॉक्सी सेड, वॉक्सी फॉक्सी ने कहा था। फोर्थ है फॉलो मी भी वॉक्सी फॉक्सी सेड, इसी ने कहा था। फिर नेक्स्ट है व्हाट हैपन टू ऑल द एनिमल्स इन द एंड, लास्ट में सभी एनिमल्स का क्या हुआ, तो आंसर आएगा वॉक्सी फॉक्सी ईट्स ऑल द एनिमल्स इन द एंड, वॉक्सी फॉक्सी ने सभी एनिमल्स को लास्ट में खा लिया था। अब ये लिसन, लेट्स लिसन, ठीक है, इनको आपको रीड करना है। फिर से अलाउड, जोर जोर से आपको इनको बोलना है, आउच पाउच काउच फॉलो हॉलो सोलो डाउन टाउन फ्राउन ब्रे क्ले स्वे। नेक्स्ट है लेट्स राइट, सर्कल द ऑड वन आउट, यहाँ पर ही कुछ वर्ड दिए, इनमें एक वर्ड अलग है ना, तो उस पर हमें सर्कल बनाना है। बाकी राइमिंग वर्ड है पर एक डिफरेंट है, जैसे बन सन फन गन और ये है वन, है ना, तो इनके सबके जो है राइमिंग वर्ड, इनमें फर्स्ट लेटर देखिए सबका चेंज है, बाकी पीछे के लेटर सेम है, पर इसमें ऐसा नहीं है, ये अलग है, इसलिए इस पर सर्कल बनेगा। फिर है बैड फैड लेड सैड रेड, तो ये इनमें भी राइमिंग वर्ड है, फर्स्ट लेटर चेंज है, बाकी पीछे के टू लेटर सेम है, बस इस स्पेलिंग में अलग है, इसलिए इस पर सर्कल आएगा। इसी तरह ये है ही मी बी टी वी, तो यहाँ पर टी पर आ जाएगा, ठीक है, ये डिफरेंट है। वे से हे पे दे, यहाँ पर दे पर सर्कल आ जाएगा, ओके। फिर नेक्स्ट है फाइंड द अपोजिट्स ऑफ गिवन वर्ड्स एंड मेक सेंटेंस, यहाँ पर ये कुछ वर्ड दिए हैं, इनके अपोजिट हमें लिखना है, ये मैंने लिखे हैं, और फिर हमें सेंटेंस बनाना है इनसे। जैसे फैट, फैट मीन्स होता है मोटा, तो फैट का अपोजिट हो जाएगा थिन, थिन मीन्स पतला। फॉल है ना गिरना, राइस मीन्स उठना या उगना। फिर स्टार्ट शुरू, एंड मीन्स खत्म। फिर कम आना गो जाना, बिग बड़ा स्मॉल छोटा, ये अपोजिट वर्ड है सभी। अब हमें इनसे, इन वर्ड से एक हमें सेंटेंस बनाना जिनमें ये वर्ड आ जाए। जैसे पहले वाले का मैंने लिखा है राजू इज अ फैट बॉय, राजू एक मोटा लड़का है। सेकंड का है अ नट फेल फॉल ऑन फनी बनी, नट इसके ऊपर फनी बनी के ऊपर गिरा। फिर स्टार्ट, स्टार्ट से बनेगा यू शुड स्टार्ट द गेम, तुम्हें गेम शुरू करना चाहिए। फोर्थ है कम, कम एंड टेक मिल्क, आओ और दूध लो। फिर बिग, दिस इज अ बिग बैग, यह एक बड़ा बैग है। इस तरह से आप कोई से भी दूसरे सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक से, ये स्टोरी है, यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं ब्रैकेट में, तो उनमें से जो सही ऑप्शन है उसको हमें यहाँ चूज करके फिल करना है। ये पूरी स्टोरी पास्ट टेंस में बनी हुई है। रीड अ फनी स्टोरी ऑफ फनी रैबिट, वन डे अ नट, तो ये आ जाएगा एफ ई डबल एल फेल आएगा, फेल ऑन हिज हेड, He thought that the sky was यहाँ आ जाएगा was falling, so he went आ जाएगा यहाँ पर, went to tell the king, on the way he met different animals, all of them joined, यहाँ joined आ जाएगा him, at last
दे, ये एम ई टी मेट, यहाँ पर मेट आएगा, मेट मीन्स मिला, अ क्लेवर फॉक्स, इट टुक देम टू अ फॉरेस्ट एंड एट, है ना, एट मतलब खा लिया उसने, ख़त्म कर दिया उन लोगों को, देम ऑल अप। ये स्टोरी है, पूरी पास्ट टेंस में है, इसलिए यहाँ जो वर्ड आए सब पास्ट टेंस के वर्ड यहाँ पर आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट है, रीरेंज दिस वर्ड्स टू फॉर्म सेंटेंसेस, इन वर्ड को रीरेंज करना है और एक सेंटेंस बनाना है। जैसे पहला है ऑन, फनी बनी, फिर फेल लिखा है, फिर अ, फिर नट, फिर वन डे, तो इनको हमें करेक्ट, इसको सही सा फॉर्मेशन बनाना है सेंटेंस का। तो हम लिखेंगे वन डे अ नट फेल ऑन फनी बनी, है ना, वन डे अ नट फेल ऑन फनी बनी, तो इस तरह से सेंटेंस सही बन जाएगा। इसी तरह सेकेंड वाला है, इसमें आएगा फनी बनी सैड द स्काई इज फॉलिंग डाउन, देखिए फनी बनी सेट द स्काई इज फॉलिंग डाउन। थर्ड वाला है आई मस्ट टेल द किंग, आई मस्ट टेल द किंग। फोर्थ इसी तरह से द किंग लिव्स हियर, द किंग्स लिव हियर, इस तरह से आपको इनके सेंटेंस को प्रॉपर तरीके से लिखना है। फिर नेक्स्ट है चेंज ओनली वन लेटर ऑफ ईच वर्ड एंड मेक अनादर राइमिंग वर्ड, है ना, वन जो शुरू का लेटर है उसको चेंज करके हमें दूसरा राइमिंग वर्ड बनाना है। जैसे फेल है तो इसका टेल कर दिया है, एफ की जगह टी हो गया, इसी तरह से यहाँ पर डाउन, तो डाउन में डी की जगह हमें टी लिख दिया है, मैंने टाउन हो गया है, ठीक है। अब एम ई टी मेट, तो एम की जगह मैंने पी लिख दिया तो पी ई टी पेट हो गया है। W वाई वे, तो W की जगह रे कर दिया, आर ए वाई रे। किंग, तो ये रिंग हो गया है। सून मून, और बैट यहाँ पर कैट हो जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट है लुक एट द पिक्चर्स गिव द एनिमल्स द राइट नेम्स, पिक्चर को देखना है और एनिमल्स को सही नाम हमें देना है। हु एम आई, ये सबसे पहले क्या है, चिकन, ठीक है, ये मुर्गी का बच्चा होता है चिकन। फिर ये हैन, ये कॉक, सी ओ सी के कॉक, ये डी ओ जी डॉग, और डी यू सी के डक, ओके, यहाँ पर हम ऐसे इनके नाम लिख देंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, ये पिक्चर स्टोरी, ये एक पिक्चर दी हुई है और आपको स्टोरी इसकी बनाना है, आपको बताना है आप इसको अपनी लैंग्वेज में कैसे इसको बताओगे, पहले अपनी लैंग्वेज में बोलना है उसके बाद में इसको इंग्लिश में आपको बताना है। तो जैसे सबसे पहले मैं हिंदी में बता रही हूँ कि कुछ रैबिट नदी के किनारे खेल रहे थे, तभी उनको वहाँ पर कैरेट्स दिखी, गाजर दिखी, तो वो गाजर खाने के लिए खुश हो गए और गाजर उन्होंने ली, है ना, और बहुत हैप्पी थे वो लोग। अचानक वहाँ पर एक ये टाइगर आ गया, उसने टाइगर ने देखा कि ये बच्चे खेल रहे हैं और वो उनको खाना चाहता था, तो रैबिट ने भी देखा टाइगर को, तो वो लोग डर गए, तो जल्दी से वो नदी के किनारे भागे, और जब तक ये उनके ऊपर झपटने की कोशिश करता है टाइगर, इतने में रैबिट्स ने देखा कि उनका फ्रेंड एलिफेंट, गोपू एलिफेंट वहाँ रिवर में खड़ा हुआ था। तो उन लोगों ने, रैबिट ने उससे हेल्प मांगी, उसने सूंड अपनी नीचे उनके पास लटका दी, ये देखिए एलिफेंट ने सूंड अपनी रैबिट्स के पास लटका दी, तो रैबिट जल्दी जल्दी से चढ़ करके पीठ पर से नदी के दूसरे किनारे पर उतर गए और वो सुरक्षित बच गए, और ये टाइगर जो था वो यहीं पर रह गया। फिर एलिफेंट ने क्या किया, रिवर में से अपनी ट्रंक में पानी भरा और लायन के, टाइगर के ऊपर बहुत तेज़ी से प्रेशर से डाल दिया, तो टाइगर वहीं पर गिर गया और एलिफेंट भी वहाँ से चला गया, ओके। इस तरह से उसने अपने फ्रेंड्स रैबिट्स की जान बचा ली। यहाँ पर यह स्टोरी फिनिश हो रही है, इसको आपको फिर इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू।